अयोध्या में राम मंदिर के लिए अनशन कर रहे महंत परमहंस दास की सेहत चिंताजनक बनी हुई है, जिस पर योगी सरकार भी नजर गड़ाए हुए है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की मांग को लेकर आमरण अनशन कर रहे महंत परमहंस दास को लखनऊ पीजीआई में दाखिल कराया गया है। वहीं अयोध्या के तपस्वी छावनी में भारी पुलिस बल तैनात है। तपस्वी छावनी में परमहंस दास के समर्थकों ने हंगामा किया। पुलिस ने बल प्रयोग कर हंगामा कर रहे लोगों को काबू किया। इसी बीच अयोध्या पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने पुलिस के एक्शन की निंदा की है। हमको तो लगा था कि राम मंदिर बनाने वालों की सरकार आई है, अब तो राम भक्तों और राम मंदिर की मांग करने वालों को घसीट कर अपमान करके सुबह लाठीचार्ज किया। आप लोग अपने अनशन पर बैठिए, क्योंकि आप करेंगे तब जाके राम मंदिर निर्माण हो पाएगा, अन्यथा निर्माण नहीं हो पाएगा। मैं ये चाहूंगा कि पूरी अयोध्या वासी, पूरे भारत वासियों से आग्रह करूंगा कि सभी लोग इस आंदोलन में शामिल हो। खबर तो समझिए कि आखिर मंदिर के लिए महंत के अनशन पर संग्राम क्यों हो रहा है। अयोध्या विवाद पर 29 अक्टूबर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी। संतों ने सरकार को 31 जनवरी तक का अल्टीमेटम दिया है। महंत परमहंस दास के अनशन से अयोध्या में तनाव था। महंत की सेहत बिगड़ने से योगी सरकार परेशान थी। बीजेपी सरकार पर राम मंदिर मुद्दे की अनदेखी के आरोप लग रहे थे।